मॉनसून की। जी हाँ, सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। बस्तर से मॉनसून की एंट्री के साथ ही कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए ये बताया है कि प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों में जमकर बारिश होने वाली है। चिरमिरी, कोरबा, दंतेवाड़ा, पेंड्रा और सुकमा में जोरदार बारिश हुई है और मौसम विभाग की सूचना के मुताबिक रत्नागिरी, बीजापुर और दुर्ग के हिस्से में मॉनसून पहुँच चुका है। तो ये देखिए, पांच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मॉनसून से जुड़े हुए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। और उसके बाद की तस्वीर आप जरा देखिए कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में अब जोरदार झमाझम बारिश हो रही है। पहली तस्वीर आप पेंड्रा से देखिए, जहां पर आज तेज और ठंडी हवाओं के साथ बारिश हुई है। तो वही कोरबा से भी ये तस्वीरें, कोरबा में भी आज बारिश का दौर जारी रहा। तो वही बीच में ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये चिरमिरी की है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ी सी आफत वाली बारिश हुई है, क्योंकि देखिए बारिश कुछ इस कदर हुई कि यहाँ पर सड़कों पर पानी बहता हुआ नजर आया और लोगों के लिए यातायात यहाँ पर प्रभावित हुआ। सुकमा और दंतेवाड़ा से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई है। तो चलिए मॉनसून पर ज्यादा अपडेट लेंगे। इस वक्त हमारे सभी रजत हमारे साथ जुड़ गया। देखिए रजत, मॉनसून की एंट्री जब भी होती है बस्तर से ही होती है और उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में ये पहुंचती है। हाल फिलहाल की बात की जाए तो मॉनसून कहां तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में कहां कहां इसका असर देखने को मिलेगा? जी, दक्षिण पश्चिम बस्तर बीजापुर से मॉनसून का प्रवेश बस्तर में हुआ था और परसों रात में जो बहुत तेज बारिश हुई थी गरज चमक के साथ, इसकी वजह मॉनसून को ही बताया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दंतेवाड़ा और बीजापुर ये दो जिले हैं जहां येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है बारिश के लिहाज से। यहाँ न केवल बारिश होगी बल्कि वज्रपात की भी पूरी संभावना है। इसके अलावा बस्तर में लगातार जो मौसम जो है वो ठंडा बना हुआ है। आज भी सुबह से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं और छिटपुट बारिश का सिलसिला जो है वो पूरे दिन भर जारी रहा है। बस्तर के रास्ते मॉनसून जो है वो रायपुर की तरफ बढ़ रहा है और बस्तर की अगर बात करें तो परंपरागत ढंग से यहाँ खेती बाड़ी करने वाले जो किसान हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई है। कुछ जो बस्तर के जो निचले इलाके हैं जहाँ गवार की खेती होती है, वहाँ जून के अंतिम सप्ताह तक बियासी का काम भी पूरा कर लिया जाता था। इस बार मॉनसून 10 से 12 दिन के विलंब से यहाँ पहुंचा, इसलिए खेती बाड़ी का काम भी थोड़ा सा पिछड़ेगा। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो मॉनसून के आ जाने से पिछले दो दिनों से बस्तर में काफी मौसम जो है वो 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर में भी गिरावट आई है। दिन का तापमान जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इस लिहाज से बस्तर के लोग जो है उनमें गर्मी से केवल न उन्हें निजात मिली है बल्कि मॉनसून आने से किसानों के चेहरे भी खिले। बिल्कुल, दो बातें हैं। मॉनसून की एंट्री से जहां लोगों के चेहरे पर खुशी है क्योंकि गर्मी से राहत मिली है, तो वही किसानों के चेहरे भी इस वक्त खिले हुए हैं क्योंकि फसलों के लिहाज से देखा जाए तो ये बारिश किसानों के लिए भी अच्छा संकेत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रजत, आपका तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए।